इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे होंडा की ऑल न्यू अपकमिंग होंडा की CB160R के बारे में, जो कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में ये होंडा की CB160R के नाम से लॉन्च होने वाली है। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में होंडा की तरफ से होंडा की एक्स ब्लेड अवेलेबल है, जो कि 160 सीसी की है। वहीं होंडा हॉर्नेट वर्जन 2.0 भी है, जिसको होंडा ने अभी रिसेंटली अपग्रेड भी किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये बाइक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में, जिसकी वजह से होंडा अपनी प्रीमियम बाइक CB160R को लॉन्च करने वाला है, जो कि फुल्ली इंस्पायर्ड है इंटरनेशनल मार्केट वाली होंडा की CB750 से। उसी बाइक से ये बाइक इंस्पायर रहने वाली है, जो कि आप ऑफिशियल वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये बाइक होंडा की CB750 है, जो कि एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर सुपर बाइक कह सकते हैं इसको, बिकॉज बाइक में काफ़ी अच्छे फीचर दिए गए हैं। फीचर लोडेड एंड पावर लोडेड बाइक है ये, जो कि इसी बाइक से इंस्पायर्ड लाइक होंडा CB160R को इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जिसमें आपको काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर देखने को मिलेंगे। बाइक के प्राइस अफोर्डेबल रहने वाले हैं, और दोस्तों ये प्रीमियम कंपोनेंट के साथ ही इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च होगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 1-on-1 कंपनी अपनी बाइक्स को लॉन्च की जा रही हैं एंड अपग्रेड की जा रही हैं, नेक्स्ट लेवल फीचर उनमें ऑफर की जा रही हैं। उन बाइक्स को कम्पीट करने के लिए होंडा को CB160R के अंदर लुक्स, डिजाइन, स्टाइल तो काफ़ी अच्छा ऑफर करना ही होगा, साथ ही फीचर भी एकदम नेक्स्ट लेवल ऑफर करने होंगे, ताकि जो मार्केट इंडियन टू व्हीलर मार्केट में करंट में अवेलेबल हैं उनको कम्पीट कर पाएँ। अब बात करते हैं होंडा की CB160R के अंदर जो आपको एक्सपेक्टेड फीचर ऑफर की जाएंगी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो बाइक में आपको 160 सीसी का एयर कूल 4-स्टॉक 4-बॉल्ब प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन ऑफर किया जाएगा विद BS6 Phase 2 कम्प्लाइंट इंजन OBD2 सेंसर के साथ, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 18 HP के आसपास। एंड बाइक में आपको टॉर्क देखने को मिलेगा 15 Nm के आसपास, जो कि बाइक में आपको पावर काफ़ी अच्छी दी गई है। तो यहाँ पर इस बाइक के अंदर आपको सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बाइक में आपको मल्टीप्लेट वैट क्लच ऑफर नहीं किया जाएगा, इसमें आपको असिस्टेंट स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, बाइक के रियर पार्ट में मोनोशॉक सस्पेंशन दिए जाएंगे, एंड ये बाइक आपको डायमंड टाइप फ्रेम पर देखने को मिलेगी। बाइक में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी जाएगी। फुल्ली डिजिटल टाइप का LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, इसमें आपको कलर डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस पर लॉन्च करनी है। यहाँ पर आपको बजट भी देखकर आपको होंडा की तरफ से ये बाइक देखने को मिलेगी। यहाँ पर इसमें आपको LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल में सारे बेसिक रिमाइंडर फीचर देखने को मिलेंगे। ओवरऑल ऑल मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी वाले कनेक्टेड फीचर ऑफर किए जाएंगे। ऑल LED लाइट्स का सेटअप दिया जाएगा। फ्रंट में आपको LED हेडलाइट देखने को मिलेगी, जिसमें आपको LED DRLs भी देखने को मिलेंगी, एंड आपको टेल लाइट भी LED ऑफर की जाएगी काफ़ी यूनिक टाइप की। एंड स्लीप टाइप के आपको काफ़ी यूनिक टाइप के शार्प फिनिशिंग के साथ LED इंडिकेटर ऑफर की जाएंगे। ओवरऑल बाइक में आपको इलेक्ट्रिकल फीचर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे, LCD इंस्ट्रूमेंट कंसोल, एंड साथ ही आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप ऑफर किया जाएगा। एंड अब बात करते हैं बाइक के ब्रेक एंड टायर के बारे में। तो दोस्तों, बाइक के फ्रंट में आपको 100 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, और रियर पार्ट में 140 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, जो कि दोनों ही टायर काफ़ी सुपर वाइड 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ ट्यूबलेस टायर ऑफर आपको किए जाएंगे होंडा की तरफ से। साथ ही बाइक में आपको ड्यूअल चैनल ABS का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा। फ्रंट में आपको सिंगल डिस्क प्लेट देखने को मिलेगी, एंड रियर पार्ट में भी आपको सिंगल डिस्क प्लेट देखने को मिलेगी, जिनके साथ आपको ड्यूअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि ये बाइक सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। वहीं ये बाइक बड़े आराम से आपको 50-55 KMPL के आसपास माइलेज प्रोवाइड करा देगी। बाइक में आपको सेम एज इट इज़ ऐसी ही कलर स्कीम देखने को मिलेंगी, जो आपको लाइक ऑफिशियल वीडियो में आप देख पा रहे होंगे होंडा की इंटरनेशनल मार्केट वाली CB750 के अंदर देखने को मिलती हैं। ओके, ऐसी ही देखने को मिलेंगी। बाकी दोस्तों, बाइक में आपको साइड प्रोफाइल, लुक्स, डिजाइन, स्टाइल थोड़े से डिफरेंट रह सकते हैं इस बाइक के अकॉर्डिंग। वहीं इस बाइक के प्राइस एक्सपेक्टेड इंडियन टू व्हीलर मार्केट में 1,40,000 के आसपास देखने को मिलेंगे एक्स शोरूम, और वहीं ऑन रोड ये बाइक आपको आपके डिस्ट्रिक्ट के ITO चार्ज के अकॉर्डिंग पड़ेगी। ओके, तो इस बाइक का आप वेट कर सकते हैं। बाइक के आउटपुट फिगर्स, लुक्स, डिजाइन, स्टाइल एकदम नेक्स्ट लेवल आने वाले हैं। फीचर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ये बाइक आपको 2023 में दिसंबर के मंथ में देखने को मिल सकती है, या फिर 2024 के जनवरी फर्स्ट वीक या फिर फर्स्ट मंथ में देखने को मिल सकती है। ओके, इस बाइक का आप वेट कर सकते हैं। होंडा की CB160R का इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कौन कौन वेट कर रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव या फिर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को दोस्तों अपने लाइक दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि वो अपडेट रह सके। मिलते हैं आपसे अगले एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।